फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको फिर से नए डिजाइन का डोरमैट बनाना बताएंगे। जिसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने तीन कलर की वूल लिया है। एक मैंने मेहंदी कलर लिया है, इसमें मैंने एक ये रेड कलर लिया है और एक मैंने प्याजी कलर लिया है। आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको पसंद हो। तो देखो फ्रेंड, आप इसे पुरानी साड़ी पुराने दुपट्टे से भी बना सकते हो। तो देखो मैंने आपको तीन कलर की वूल ली है और 9 नंबर की फ्रेंड मैंने सिलाई ली है। आप इसे डबल वूल से भी बना सकते हो, पुरानी वूल से भी बना सकते हो। तो फ्रेंड हम फंदे अपने मेहंदी कलर से डालेंगे इस तरह से, दो फिंगर की सहायता से हमने एक फंदा बनाना है इस तरह से। और इस वूल को टाइट रखना है, ये वाली वूल को, और इसको इस तरह से, इससे फंदे बनाएंगे। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं इसी तरह 20 फंदे बना लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड हमने इसमें 20 फंदे डालिए हैं। तो देखो फ्रेंड हमने 20 फंदे डाल लिए हैं। तो अब हम पहली रो को इसी से बना लेंगे। ये देखो, अब इधर से भी हम दोनों साइड के मिला के हमने एक सिलाई बनानी है। ये देखो पूरी सिलाई बना ली है। अब हमने यहाँ से, तो देखो फ्रेंड हमने यहाँ से अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो हमने 8 फंदे अपने दूसरे कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे हमने दूसरे कलर से। अब आगे की जो फंदे हैं, 8 फंदे हमने रेड कलर से बनाए हैं। अब ये वाले फंदे हमने, 12 फंदे हैं, इनको हमने अपने दूसरे कलर से, यहाँ से दूसरा कलर लगा लेंगे। ये देखो अब ये 12 फंदे हमने अपने, ये देखो इस कलर से बनाएंगे। फंदे हमने अपने मेहंदी कलर से डाले थे। ये वाला फंदा वूल पीछे करके इसको सीधा बनाएंगे। अब सीधी सिलाई है, सीधी सिलाई पे जो फंदा जैसा है उसी कलर से बनाएंगे। ये देखो स्लिप कर लेंगे पहले फंदे को। सीधी सिलाई पे कुछ नहीं करना है,
सीधा सीधा इसको जैसा फंदा जो कलर का आता रहेगा वैसा बनाएंगे। ये रेड वाले आ चुके हैं, वूल को पीछे करेंगे और क्रॉस में हमने इसको इस तरह से आगे लेके आएंगे। ये देखो ये आगे की साइड, ये पीछे से, और ये हम रेड वाले फंदे रेड से बना देंगे सीधी साइड। ये देखो अब हमने छह फंदे बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट लेंगे। दो फंदे छोड़ के बिना बुने और यहीं से पलट देंगे। अब हमने ये वाले फंदे हमने उल्टी साइड से ऊपर की साइड लेके जाएंगे। ये दो फंदे आगे की साइड, दो फंदे इधर छोड़े तो दो फंदे आगे की साइड बना लेंगे, एक और दो, ये वाले। ये देखो बना लिए। अब हमारे ये दूसरे कलर के आ चुके हैं, इन्हें ये देखो इधर दो छोड़े थे तो ऊपर की साइड दो बना लिए हैं। ये देखो फूल को पीछे करके इसको सीधा बनाएंगे लास्ट के फंदे को। अब हम पलटते हुए सीधी सिलाई पे आ गए। ये देखो सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है पहले फंदों को स्लिप करेंगे और ये देखो क्रॉस में आगे लेके आना है और जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना लेना है। ये देखो तो अब हम फिर से दो फंदे छोड़ेंगे। ये देखो पहली सिलाई पे दो फंदे छोड़े थे बिना बुने, अब दूसरी सिलाई पे दो फंदे छोड़ेंगे बिना बुने और यहीं से पलट लेंगे। आगे के दो फंदे बना लेंगे, ये प्याजी कलर वाले रेड कलर से। ये देखो दो फंदे बना लिए, दो फंदे इधर छोड़े थे, दो फंदे आगे के से ले लेंगे, आगे से लेके अब दो फंदे ये फंदे ये देखो इस कलर से बना लेंगे। बुल को पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे। फिर से पलट के सीधी सिलाई को सीधा सीधा बनाइए, जो फंदा जैसा है उसी कलर से। ये देखो सीधी सिलाई पे जो फंदा जैसा है, ये देखो। अब हमारी ये तीसरी सिलाई है, फिर से हम दो फंदे छोड़ेंगे। ये देखो दो फंदे छोड़कर यहीं से पलट लेंगे। ये देखो दो फंदे छोड़ के अब हम आगे के दो फंदे ले लेंगे, एक दो। इस सिलाई पीछे से दो फंदे छोड़ दिए जाएंगे, आगे के दो फंदे बनाते जाएंगे रेड कलर से। तो ये हमारी कली ऊपर तक बनती आएगी। ये देखो ये देखो लास्ट का फंदा है, वूल पीछे करके इसको सीधा बनाएंगे। ये देखो अब हम फिर से सीधी सिलाई पे हैं। तो यहाँ तक हमने दो दो करते हुए फंदे दो दो फंदे पीछे से छोड़ते जाएंगे और ऊपर से लेते जाएंगे। ये कली हमारी यहाँ तक आएगी। पहले फंदे को स्लिप करके
फिर से दो फंदे छोड़ेंगे और यहीं से हम पलट लेंगे। तो हमने दो दो चार दो छः दो आठ, आठ फंदे छोड़ दिए हैं। दो फंदे आगे से ले लेंगे क्योंकि दो फंदे पीछे से छोड़े थे। ये देखो लास्ट का फंदा, इसको सीधा बनाएंगे। ये देखो तो देखो फ्रेंड, हमने आधी कली को बना लिया है। दो दो करते हमने कितने फंदे छोड़े हैं, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह, बारह फंदे छोड़ दिए हैं। तो देखो हमने बारह फंदे छोड़ दिए हैं और आठ फंदे हमारे, दो दो चार दो छः दो आठ, आठ हमारे फंदे बिना छोड़े हैं, बारह फंदे छोड़ के। अब हमने आधी कली को बना के कंप्लीट कर लिया है, आधी कली को बनाएंगे। ये देखो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदे हमारे ये इसी कलर से रहेंगे, बाकी रेड कलर से। ये देखो दो फंदे बनाए, वुल को पीछे करेंगे और रेड वाली वुल को आगे लाएंगे। तो ये देखो हमें एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः फंदे हमने यहाँ तक बना लेने हैं, वुल को पीछे कर लेना है, यहीं से पलट लेना है। ये देखो पलट के छह फंदे अब हम इन्हें बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच चार सॉरी चार। अब ये दो फंदे हैं हमारे आगे के, हमने चार फंदे बनाए और दो फंदे हैं, इन्हें हम इस तरह से वूल को ये देखो पीछे करेंगे और इन दोनों फंदों को बना लेंगे, एक दो तीन और चौथे फंदे को सीधा बना लेंगे। ये देखो इस तरह से हम आधी कली को बनाएंगे। ये देखो अब हम सीधी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखो पहले फंदे को स्लिप कर लेते हैं, जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना लेंगे, एक दो तीन चार और दो फंदे आगे से ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको गैप नजर आए तो यहाँ से एक इस तरह से फंदा उठा लें, एक एक इस उठे हुए फंदे को ले लें, एक और एक आगे से ले लें, तो दोनों को एक साथ बना लें, यहाँ पे गैप हमारा भर जाएगा और ये एक आगे से। तो दो फंदे हम आगे से लेंगे और यहीं से पलट लेंगे। ये देखो यहीं से पलट के, ये देखो अब ये दो फंदे हैं, इन्हें हम हमने एक दो तीन चार फंदे बनाए और दो फंदे इन्हें हम एक और दो, इन्हें हम अपने इस कलर से बनाएंगे, प्याजी कलर से। लास्ट का फंदा है, इसको सीधा बना लेंगे। ये देखो ये देखो बहुत आसान है ये इसको बनाना। ये देखो वूल पीछे करके रेड वाले वूल को आगे लाएंगे और क्रॉस में ही हमने आगे लेके आनी है। तो एक दो तीन चार, चार फंदे बनाए, दो फंदे आगे से लेंगे, ये जो हमने छुटे हुए फंदे हैं इन्हें अब हम लेते जाएंगे सीधी सिलाई से। एक फंदा यहाँ पे गैप है तो यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। ये देखो एक फंदा यहाँ से उठा के, एक फंदा ये वाला और एक आगे से ले लेंगे, दोनों को एक साथ बना लेंगे तो गैप हमारा भर जाएगा। एक आगे से ले लेंगे, ये देखो तो अब हमारे छः हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः। अब यहीं से हम पलट लेंगे, ये देखो पलट के, ये देखो
पलट लिए, तो एक दो तीन चार, चार फंदे बनाए, दो फंदे छह थे, तो ये दो फंदे हैं, इनको हम इस तरह से इस वूल को पीछे करेंगे और एक दो, दोनों फंदे बना लिए, आगे से भी इसी तरह बना लेते हैं। तो हमारे ये कितने फंदे हो गए, दो दो चार दो छः सात और एक ये आठ, आठ फंदे हो चुके हैं। तो यहाँ हमारे बारह फंदे रहेंगे इधर और आगे आठ, तो अभी और इसी तरह बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ये देखो, ये देखो, एक दो तीन चार, दो फंदे आगे से लेंगे, एक ये वाला यहाँ से बीच में से एक फंदा उठा लेंगे, एक और एक आगे से ले लेंगे, दोनों को बना लेंगे, ये देखो, और यहीं से हम पलट लेंगे। तो ये हमारे छह फंदे हो गए, दो दो चार दो छह, और यहीं से पलट के ये देखो, अब ये दो फंदे हैं, इन्हें हम पीछे वूल करेंगे, ये वाली, और इन दोनों को बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये देखो दस फंदे हो चुके हैं। तो देखो फ्रेंड, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और ये हमने सीधी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे, वूल को पीछे करेंगे, ये देखो, ये देखो, अब यहाँ पे गैप नजर आएगा, तो यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, एक आगे से ले लेंगे, ये एक दो, तो हमारे अब छह फंदे हो चुके हैं, यहीं से पलट लेंगे, ये देखो, अब हमारे दो फंदे ये हैं, इन्हें हम वूल को पीछे करेंगे और इस तरह से पीछे करके इन दोनों फंदों को बना लेंगे, तो दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दस ग्यारह, लास्ट का फंदा है ये बारह। तो हमारे जिस तरह से हमने सिलाई पे फंदे डाले थे उसी तरह हमारे हो चुके हैं, ये देखो, बारह फंदे हमारे इस कलर के और आठ फंदे इस कलर के, बीस फंदे हमारे हो गए। तो देखो फ्रेंड, हमने अधिक पूरी कली को बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये देखो, अब हम यहाँ से पलट के अपना ये ग्रीन कलर से बना लेंगे, ये देखो, ये देखो, तो कली अब इसको हम सीधी साइड से भी बना लेंगे, इसी तरह हमने आउटलाइन देनी है, ये देखो, तो एक कली बनके कंप्लीट है। इसी तरह हम
तीन कली बनाएंगे, फिर आपको आगे दिखाएंगे जिस तरह से ये कली बनाएंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने तीन कली बना ली हैं जिस तरह से ये कली बनाई थी, एक दो तीन, सेम तीनों कली इसी तरह बनाई हैं। अब हमने ये देखो, अब हम इधर से फंदे उठाएंगे, तो ये हमारे 20 फंदे हैं और 20 फंदे ये देखो, 20 फंदे तो हमारे सिलाई के ऊपर हैं। अब यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, ये देखो, एक। तो देखो फ्रेंड, हमने तीन कली बना ली हैं जिस तरह से फर्स्ट कली बनाई थी, दो कली सेम उसी तरह बनाई हैं। तो देखो, हमने अब ये आउटलाइन वाली रो भी हमने बना ली है, आगे के हम फंदे उठाएंगे। तो 20 फंदे तो हमारे ये हैं, 20 फंदे ये, और 5 फंदे हम इधर उठा लेते हैं। तो देखो किस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, पांच फंदे तो हमने ये बीच में से उठा लिए और 20 फंदे हम यहां से उठा लेंगे। तो हमारे टोटल 45 फंदे हो जाएंगे, 20 ये हैं, 20 ये और 5 ये, 45 फंदे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 20, 20 फंदे हमने उठा लिए। तो ये हमारे मिला के सारे 45 फंदे, 20 ये, 20 ये और 5 बीच के। तो देखो फ्रेंड, अब हमने फंदे उठाने के बाद इसी तरह रो को बना लेंगे उल्टी उल्टी, एक रो बनानी है। देखो फ्रेंड, हमने एक रो बना ली है उल्टी साइड से और सीधी साइड से। तो अब हमने यहां से अपना दूसरा कलर लगा लेंगे, ये देखो, एक, दो, दो फंदे हम इस कलर से बनाएंगे, आगे के दो फंदे दूसरे कलर से, फिर हमने दो फंदे देखो इस तरह से दो दो फंदे चेंज करेंगे, दो फंदे मेहंदी कलर से, दो फंदे प्याजी कलर से।
इसी तरह पूरी सिलाई को बना देते हैं। ये देखो, दो दो फंदे हमने, ये देखो फंदे चेंज कर लिए। अब हम सीधी सिलाई पे जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना लेंगे। बूल को पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, ये बूल पीछे करके इसको आगे लाएंगे इस तरह से। ये देखो, इस तरह से हमने पूरी सिलाई को बनाना है। जो फंदा जैसा है उसी कलर से बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखो, वूल को आगे करेंगे, तो सीधी सिलाई हमने जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना के इसको कंप्लीट किया है। अब हम फिर से उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं, तो ये हमारे फंदे प्याजी कलर के हैं, इन्हें हम इस मेहंदी कलर से बना लेंगे दोनों फंदों को। अब ये वाले फंदे हम इस कलर से बनाएंगे, फंदों को कलर वाइज चेंज करेंगे। ये देखो इस तरह से, ये वाले फंदे हम इस वूल से बनाएंगे। इस तरह से बहुत आसान है इसको बनाना, बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। और बहुत जल्दी बनके कंप्लीट हो जाता है। ये देखो, तो इसी तरह हम इसको बनाते हुए आगे तक मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह कितनी रो हमने बनानी है उस तरह से बनाते हुए मैं इसको कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर आपको आगे दिखाएंगे। ये देखो, हमने दो सिलाई बना ली है, एक और दो, इसी तरह से फंदों को। अब हम ये देखो उल्टी सिलाई पे हैं, ये वाले फंदे हम प्याजी कलर से बनाएंगे, जो हमारे मेहंदी वाले हैं मेहंदी कलर के, और ये वाले प्याजी कलर के हैं, इन्हें हम मेहंदी कलर से। इस तरह से फंदे हम उल्टी सिलाई से ही चेंज करेंगे, और सीधी सिलाई पे तो जो फंदा जैसा है उसी कलर से बनाते हुए इसको कंप्लीट किया है। तो इसी तरह हम आगे तक की सिलाइयों को बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो, बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से दो फंदे ग्रीन के, दो फंदे पिंक कलर के, दो फंदे, इस तरह से फंदों को हमने चेंज करते हुए देखो डिजाइन को डाल लिया है। ये देखो, वूल को पीछे करेंगे, इसको आगे लाके, ये देखो ये हमने दो फंदे बनाए, फिर वूल पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे। ये देखो इस तरह से, तो सीधी साइड हमने इस तरह से, अब उल्टी साइड पे हमने आपको जितना बड़ा बनाना है उतना आप बड़ा बना सकते हो इसी तरह से।
अब ये हमारे ये वाले फंदे हम इससे बनाएंगे, ये देखो, देखो अब ये वाले फंदे हम इस कलर से बनाएंगे। इस तरह से उल्टी सिलाई से हमने कलर को चेंज करते हुए तो देखो फ्रेंड मैंने ये देखो इस तरह से बनाया है। और मैंने इसमें 20 रो सीधी साइड से और 20 हमारी उल्टी साइड की मिला के हमारी 40 सिलाई बनाई है। और इस तरह से मैंने इसमें डिजाइन डाला है, ये देखो। तो यहाँ से हमने फंदे बंद कर दिए हैं 20 सिलाई बनाने के बाद। तो देखो हमने जिस तरह से ये बनाए हैं उसी तरह मैंने इसको बनाया है यहाँ से फंदे बंद करके। तो देखो यहाँ से हमने इसी तरह बनाने के बाद अब हम इसको जॉइंट करेंगे। देखो इसी में हमने वूल को एक्स्ट्रा रखा है, जहां से हमने फंदे बंद किए हैं वहीं से हम इसकी इस तरह से उठाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह से एक एक रो में डालते हुए ये देखो इस तरह से सिलाई कर लिया है। यहीं पे हम नॉट्स लगा देंगे, वूल को कट करेंगे। तो देखो फ्रेंड डोरमेट बनके कंप्लीट है। तो फ्रेंड आपको ये डोरमेट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में।